उत्तराखंड के चमोली जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते रविवार शाम 6 बजे हेमकुंड साहिब मार्ग पर अटलाकुड़ी ग्लेशियर पॉइंट के पास ग्लेशियर खिसकने से बर्फ की चपेट में आई एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। महिला के पति समेत 4 श्रद्धालुओं को SDRF ने रेस्क्यू कर लिया है। वहीं बर्फ खिसकने से यात्रा मार्ग भी पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बीते रविवार को अंतिम जत्थे में शामिल 6 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब से समय पर निकल गए थे, लेकिन अधिक थकान होने के कारण शाम 6 बजे बाद अटलाकुड़ी तक ही पहुंच पाए। जिस वक्त तीर्थयात्री ग्लेशियर पॉइंट से गुजर रहे थे, अचानक बर्फ खिसक कर मार्ग पर आ गई, जिससे तीर्थयात्री बर्फ के बीच में फंस गए। SDRF के जवानों ने मौके पर 5 तीर्थयात्रियों को बर्फ से निकाल लिया, जबकि अमृतसर निवासी 37 वर्षीय कमलजीत कौर लापता हो गई। देर रात काफी मशक्कत के बाद उनका शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा नहीं है। प्रतिदिन तीर्थयात्री यात्रा के बेस कैंप घांगरिया से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं, जहां हेमकुंड सरोवर में स्नान कर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद वापस लौट आते हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।